हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आज, क्योंकि वीडियो देखने के बाद लाइफ में काफ़ी काम आते हैं और दोस्तों आपके घर और किचन का काम भी आसान होने वाला है और साथ ही साथ आपका टाइम और पैसे भी बचने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप मेरा इस तरीके से, जो बिंदी पत्ता हम खराब समझ के फेंक देते हैं उसको लेके है। तो दोस्तों इस तरीके से बिंदी जो पत्ता है इसको ख़राब समझ के बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। तो मैंने टेप ले लिया है और टेप को अच्छी तरीके से, इसको मैं जो बिंदी का पत्ता है इसको अच्छी तरीके से मैं कवर कर देती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों वीडियो में, जैसे कि मैं लगा रही हूँ इसको अच्छी तरीके से कवर कर देती हूँ कि ताकि जब हम कोई भी सामान इसके अंदर रखें तो ये सामान इसका बाहर ना निकले। तो मैं 2 से 3 जगह टेप लगा देती हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से एक हमारा पॉकेट बन के रेडी हो जाए। तो चलिए 2 से 3 जगह लगा दिया है। अब दोस्तों ये हमारा एक पॉकेट बनके रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम बिंदी पत्ते ख़राब समझ के फेंक देते हैं, तो आज के बाद आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो देखिए इस तरीके से एटीएम वगैरह हो गया या कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, जो भी आपका पैन कार्ड वगैरह है, एक जगह इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, ये सब चीज़ों का तो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ता नहीं है। और इस तरीके से आप रख के चाहे तो ये जो बिंदी पत्ता की जो पन्नी है आप इसके अंदर भी कवर करके रख सकते हैं। और दोस्तों बहुत ईजी तरीके से कवर होके रखा जाता है और दोस्तों सेफ्टी का सेफ्टी भी रहेगा, सारे आपके कार्ड एक जगह पड़े रहेंगे, अब बिल्कुल भी इसमें से गुम होने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो आप बिना पन्नी के भी रख सकते हैं और इस तरीके से चाहे तो पन्नी में भी कवर करके रख सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिक तो मुझे काफ़ी पसंद है, आप सभी को कैसा लगा? पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला है टिप दोस्तों इस तरीके से चैन को लेके है, या हार हो गया गले का, इसमें जो हुक लगा रहता है आप देख पा रहे होंगे इसमें हमारे काफ़ी बाल भी लग जाते हैं और कपड़े के धागे भी खींच लेते हैं। तो ये जो हुक होता है चैन का, हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इसमें बाल हो गया और कपड़े के धागे वगैरह भी फंसते रहते हैं। तो दोस्तों ये फंसे ना, तो मुझे ले लेना है टेप, टेप ले लेना है और टेप को अच्छी तरीके से, ये जो हुक है इसके ऊपर अच्छी तरीके से मुझे इसको कवर कर लेना है। चलिए मैं इसको कवर कर लेती हूँ, 2 से 3 बार इसको मैं लगा के अच्छी तरीके से इसको कवर कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ईजी तरीके से लग भी जाता है और काफ़ी सेफ्टी भी रहता है। ना ही पहली बात तो आपका ये हुक खुलने का डर है, तो कभी कभी ऐसा डर रहता है ना कि कभी हुक ना खुल जाए, गिर जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेफ्टी की सेफ्टी भी और हर तरीके से, ना इसमें बाल उलझेगा ना ही आपका हुक खुलेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक पर बहुत ही काम का है, इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं। किसी किसी से सोना चांदी बहुत खोता है, तो ट्रिक छोटा सा एक हुक में आप टेप को जरूर लगाएं। तो चलिए अगला है टिप देख लेते हैं, माचिस को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा है सर्दियों का मौसम है, कभी कभी बारिश भी हो जाता है, तो हमारा ये जो माचिस हो जाता है नम हो जाता है, तो इसको हम जल्दी जलाते हैं तो ये जलता नहीं है। तो दोस्तों इसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। तो आप देख पा रहे होंगे जब भी हमारे घर में बच्चे छोटे मोटे चीज़ लाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का छोटी डिब्बियाँ जरूर आती हैं। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे इस तरीके की जो छोटी डिब्बियाँ रहती हैं, हम इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेगा। जितनी भी माचिस की तिल्लियाँ हैं मैं इसके अंदर डाल के, अब आप देखेंगे मैं इसको कवर कर दूँगी, बहुत इजीली तरीके से इसके अंदर माचिस की तिल्लियाँ चली भी जाती हैं और दोस्तों ये सेफ्टी भी रहता है। अब बहुत इजी तरीके से हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कहीं भी अपने साथ वगैरह जाए तो आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी माचिस की जो तिल्लियाँ हैं बिल्कुल भी नम नहीं होने वाली है। तो जितनी भी तिल्लियाँ हैं मैं इसको इसी तरीके से इसमें इसके अंदर रख देती हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके के छोटे छोटे आप हैक टिप, आप इस ट्रिक के द्वारा आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने जितना तिल था इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है, अब मुझे करना क्या है, ये कैंची के ये हेल्प से जो माचिस का ही जलाने वाला मसाला है इसको भी मैं अलग निकाल लेती हूँ। और अलग निकालने के बाद मुझे क्या ले लेना है, डबल टेप, डबल टेप ले लेना है। डबल टेप के हेल्प से तो मुझे इसको लगा लेना है। डबल टेप हमारा काफ़ी चौड़ा हो रहा है, तो इसमें से 1 से 2 पीस कर लेती हूँ, काफ़ी चौड़ा हो रहा था तो मैं इसको लगा ली हूँ। चाहे तो आप ग्लू है तो ग्लू के भी हेल्प से आप इसको चिपका सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मसाला मैंने निकाला हुआ है माचिस का, इसको दोनों तरफ मैं इसको हैंग कर बिल्कुल चिपका देती हूँ। तो दोस्तों चिपकाने से क्या होगा कि बिल्कुल भी आपका ये
जो माचिस की तिल्लियां हैं ये सिलेगी नहीं, जब भी हम जलाएंगे तो इसमें पहली बात तो मसाला नहीं छोड़ेगा। माचिस की तिल्लियां नम होने का मतलब है कि इसमें से जब मसाला छोड़ देता है माचिस की तिल्ली में से, तो हमारा माचिस नहीं जलता है। तो दोस्तों इस तरीके की डिब्बी बच्चे हमारे बहुत छोटे मोटे खाने की चीज़ लाते हैं, आप सभी को पता होगा कि इसमें क्या आता है। तो देखिए इस तिल्ली निकाल के और हम जब भी कहीं भी जाएं आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल माचिस का सेप भी है, माचिस का काम भी करेगा, तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर दोस्तों आइडिया आप सभी को ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गाँव कौन से शहर से देख रहे हैं, मुझे खुशी होगी जान के। चलिए देख लेते हैं अगला हैक टिप। दोस्तों अगला हैक टिप इस तरीके से हमारी चूड़ियों को लेके है। तो दोस्तों हर किसी के घर में चूड़ी केस नहीं होता है, चूड़ी रखने की सुविधा नहीं होती है। तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हो जाती है तो हम सोचते हैं कि इसको हम कहाँ ऑर्गेनाइज करके रखें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप आज से आपकी चूड़ी ऑर्गेनाइज करने का झंझट खत्म। हम सभी के घर में मोजा बहुत ही रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं, हम फेंक भी देते हैं। तो जो मोजा हम इसको ख़राब समझ के मोजे को फेंक देते हैं, ये चूड़ी आज हम इसी में ऑर्गेनाइज करके रखने वाले हैं। तो आप देखते रहिएगा दोस्तों और वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जब ये वीडियो आप सभी की समझ में आने वाला है तो देखिए कुछ चूड़ियाँ तो मैं इस तरीके से रख दी हूँ, तो बहुत ईजी तरीके से आप मोजे में चूड़ी को अपने ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से मैंने चूड़ी कुछ रख दिया है और कुछ और चूड़ी आप अपने पार्टी वेयर फैंसी चूड़ियाँ जब भी कभी हम लंबे सफ़र में भी जाते हैं तो इसी तरीके से चूड़ी मोजे में रखने के बाद आप किसी डिब्बे में भी कवर करके चूड़ी को रख लेंगे तो आप देखेंगे ना कि बिल्कुल भी चूड़ी आपका ख़राब नहीं होगा, ना ही रगड़ खा के चूड़ी आपका इसमें से पॉलिश छूटने वाला है। तो देख पा रहे होंगे मैंने कितनी सारी चूड़ियाँ इसके अंदर हैंग कर दिया है मोजे के अंदर। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इसके अंदर रखने के बाद चूड़ियाँ आप किसी डिब्बे वगैरह में रख सकते हैं। तब अभी आप देखेंगे बहुत सारी चूड़ियाँ मैं इसमें रख सकती हूँ, दोनों मोजों में रखेंगे तो हमारी बहुत सारी चूड़ियाँ कड़े बहुत सारे आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। इसी तरीके से आप अपनी चूड़ी को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह से बचे रहिएगा और इसी तरीके से जब भी आप चूड़ी को निकालेंगे बिल्कुल न्यू लगेगा। चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। अगला हैक टिप, जब ये बर्नर हमारा कभी चाय वगैरह गिर जाता है या इस पर कोई भी चीज़ हम चावल वगैरह भी बनाते हैं भगोने में तो आपने देखा होगा गिरी जाता है, तो हम इसको जलाते हैं तो ये बार बार जलता नहीं है और जब गिरते हैं तो इसका जो छेद है ना बर्नर का बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो दोस्तों इसी के लिए एक ट्रिक है, आधा छेद बंद हो जाता है आधा छेद जलता है, तो हमें करना क्या है इसके लिए दोस्तों छोटा सा ट्रिक है। आपको ले लेना है एल्पिन, यही सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन के हेल्प से जहाँ जहाँ इसका छेद बंद है या तो इसको आप हाथों में निकाल के अच्छी तरीके से इसके छेद को खोल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा गैस वेस्ट जाता है, हमारे गैस का खर्च भी होता है नुकसान भी होता है, तो इस तरीके से जितने भी छेद इसके होल बंद है अच्छी तरीके से खोल लेंगे तो इसका होल बिल्कुल अच्छी तरीके से खुल जाएगा, जो गैस पास नहीं होता अच्छी तरीके से इस होल में से गैस निकलेगा और जो भी सामान आप पकाएंगे बनाएंगे बहुत इजीली तरीके से जल्दी पक के रेडी हो जाएगा। तो देखिए जितने भी होल हमारे ये बर्नर के बंद थे मैंने इसको अच्छी तरीके से ये एल्पिन की हेल्प से खोल लिया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आया होगा आप सभी को इस ट्रिक के देखने के बाद, तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।